Hello friends, today we have Rahul Prajapati with us. A brief intro about Rahul. Rahul is head trainer at Quantzap. He holds a master's in finance along with PG in wealth management. He is an avid researcher in the F&O segment of the stock market and has a decade-long experience and has been actively managing the role of market forecasting and trading models creation. At Quantzap, Rahul is actively participating in F&O model creation, tools innovation, and training. Till now, he has trained over 10,000 stock market enthusiasts. In Trader Stock, मैंने क्वांसेप से और राहुल से specifically request की थी that we are doing a session जहाँ पे we want some topic which doesn't change with the market, जो अगर कोई trader 2 साल के बाद भी देखता है या 3 साल के बाद भी देखता है तो it is a fundamental concept, उसको जाके समझ सकता है एंड इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. समथिंग लाइक जैसे हम लोग आईवीज की बात करते हैं, ऑप्शन चेन की बात करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं, दैट टाइप ऑफ टॉपिक. एंड देन ही वाज ग्रेशियस इनफ कि इन्होंने एक्सेप्ट किया एंड दैट्स हाउ वी गॉट टू नो ईच अदर एंड वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन फॉर यू. सो आई होप यू लाइक इट. थैंक यू रोहित फॉर इनवाइटिंग मी. जैसा हमने पहले डिस्कशन किया है दैट की यू नो विल बी गोइंग वेरी बेसिक थिंग्स राइट. ओके So generally if we talk about Quantzap, right, we have a very basic data और हम लोग ज्यादातर data के ऊपर बात करते हैं. okay, तो when we talk about options, हम लोग ये चीज आज ये देखेंगे कि there are lot of data that are present to us, हमारे पास बहुत easily available है वो data, but still we are not able to use it. okay, तो जैसा आपने बात किया था कि कुछ fundamental चीजें जो over the period change नहीं होनी चाहिए, हम उसी के ऊपर बात करेंगे. okay, and I'll show you few data जिसको कोई भी use कर सकता है and simply they can create a you know the trading system on it. But simple सा logic ये है कि जो system मैं आज दिखाने वाला हूँ specifically, उसके ऊपर हम mostly ये बात करेंगे कि हम इस पे long trades कैसे ले सकते हैं. okay, shorts की तरफ हम नहीं जाएंगे इसके अंदर. okay, but this data is actually helpful in finding the bottoms and you know you can take a long trades. okay, तो उस चीज के ऊपर हम specifically बात करेंगे and the agenda will be that कि हम बहुत सिंपलिस्टिक वे में डेटास को यूज करके कैसे ट्रेडिंग सिस्टम बनाया. सो ओके रोहित, मैं स्टार्ट करता हूँ. ओके, उसके लिए मेरे को एक बार आपको जस्ट बेसिक कंसेप्ट समझाना पड़ेगा इसके रिलेटेड. ओके, तो हम एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. ओके, सो रोहित, सबसे पहली चीज जो हम जब भी हम कभी भी डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं या कोई भी स्टूडेंट, या बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ मैं. ओके, क्योंकि जब मैं कॉलेजेस में पढ़ाता था पहले दिल्ली में, तो हम लोग डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स की ही बात करते थे. ओके, फॉरवर्ड फ्यूचर्स. ओके, तो जब भी हम सिंपलिस्टिक वे में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि दो चीजें होती है, एक होता है स्पॉट प्राइस और एक होता है हमारा फ्यूचर प्राइस. ओके, एंड देन वी एंड इट, है ना. इसके ऊपर का डिस्कशन हम लोग ज्यादा करते नहीं है, बट जनरली हम देखें तो एक स्पॉट प्राइस है और हमारे पास 3 फ्यूचर्स के प्राइजेस होते हैं, राइट. ओके, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ. ओके, अगर हम बाकी सब छोड़ दें और स्पॉट और फ्यूचर्स को हम करंट मंथ के साथ भी कंपेयर करें तो वी गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट. ओके, तो जनरली अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, ओके, सो इसको देख के हम कुछ एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस, ये निफ्टी का चार्ट है. ओके, इसमें आप जब ऑरेंज वाला लाइन देखोगे तो दैट्स द करंट प्राइस ऑफ द मार्केट. ओके, मार्केट का प्राइस दिखा रहा है कि निफ्टी फ्यूचर्स लाइन चार्ट के ऊपर प्लॉट है. ओके, एंड जो उसमें आप ग्रीन बार्स देख रहे हो, दैट इज स्पेसिफिकली द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड द फ्यूचर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं इस डेट का लूं 15th February. ओके, तो 15th February को जो हमारा फ्यूचर का प्राइस है वो स्पॉट से 94.62 पॉइंट्स ऊपर था. ओके, okay? जिसको हम डेरिवेटिव्स मार्केट में कॉन्टेंगो मार्केट बोलते हैं, या फिर फॉरवर्डेशन भी जिसको बोला जाता है. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ये चीज देखोगे तो ऐसा ही रहता है. अगर आप ध्यान से देखें तो कभी ये वैल्यू ज्यादा होती है, कभी 200 पॉइंट की भी होती है, कभी 150 पॉइंट्स, कभी 100 पॉइंट्स, कभी बहुत मिनिमम भी होती है और कभी नेगेटिव भी हो जाती है, राइट. ओके, अब क्वेश्चन ये होता है कि नेगेटिव क्यों होती है. ओके, जनरली हम ये एंटीसिपेट करते हैं कि आने वाले टाइम में बाजार ऊपर रहेगा, या ट्रेडर्स का एंटीसिपेशन ऊपर है, तो फ्यूचर प्राइस हमेशा यू नो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा होता है. ओके, इसको हम प्रीमियम बोलते हैं. सो द स्पॉट और फ्यूचर के बीच के डिफरेंस को हम बेसिस बोलते हैं, या फिर प्रीमियम भी बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे 118 रुपए का प्रीमियम है, अगले दिन आप देखोगे 108 रुपए का प्रीमियम है, एंड देन वी हैव 96 रुपीज प्रीमियम, एंड दिस गोज इन टू डिस्काउंट. तो कहां But this is basically the difference between the spot and the future. Exactly, yes. तो अगर आप देखोगे, जैसे मैं इस दिन की बात करूं 29 की, तो 118 points future ऊपर है spot से, right? और जो generally market का behavior होता भी है, okay? But जहां पे आप ये red वाले bars देख रहे हो,
इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ बैकवर्डेशन मार्केट जहां पे फ्यूचर का प्राइस स्पॉट के नीचे हो जाता है. ओके, जनरली ये होना नहीं चाहिए. ओके, दो ही रीजंस हो सकते हैं इसके जनरली जो हम मार्केट में देखते हैं. पहला ये होता है कि अगर निफ्टी की मैं बात करूं अगर, या फिर किसी भी स्टॉक की, तो जनरली अगर वो स्टॉक डिविडेंड पे करने वाला है तो वी कैन सी दैट कि फ्यूचर डिस्काउंट में ट्रेड होता है, बट हर बार डिविडेंड पे नहीं होता, राइट. ओके, और दूसरी चीज ये होती है कि जब भी मार्केट का एक्सपेक्टेशन वीक होता है, राइट, कि फ्यूचर में बाजार गिरने वाला है, तो हम ये मान के चलते हैं कि शायद फ्यूचर प्राइस स्पॉट से नीचे आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ. जैसे मान लीजिए अभी हमारा मार्च स्टार्ट हुआ है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगले 3 महीने बाद एक कमोडिटी ले लेते, क्योंकि कमोडिटीज के अंदर ही ज्यादा चीज देखने को मिलती है. तो मान लीजिए अगर वीट का प्राइस अभी 50 रुपीज पर केजी चल रहा है. ओके, और हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में सप्लाई बहुत ज्यादा होने वाली है, बिकॉज हमारी जो फसल थी वो बहुत अच्छी हुई है और सप्लाई बहुत ज्यादा गिरने वाला है. तो जो भी पर्सन जून का कॉन्ट्रैक्ट या जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट लेगा, उसको पता है कि फ्यूचर में सप्लाई गिरने वाली है, तो वो कभी 50 रुपए पे नहीं करेगा. ही विल ऑलवेज गो एंड टेक अ कॉन्ट्रैक्ट कि मैं 3 महीने बाद 45 रुपीज पे डील करूंगा आपसे. तो वो डील अगर फिक्स हो जाती है तो एक्चुअली फ्यूचर का प्राइस नेगेटिव हो जाता है, राइट. आज 50 है लेकिन फ्यूचर में इट इज ट्रेडिंग एट 45 रुपीज. तो सेम चीज यहां पर भी होती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड इन फ्यूचर, राइट. ओके, तो यहाँ पे आप स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस निकालोगे तो इस डेट को ही नेगेटिव हो गया था. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट. ये डेटा हमारे पास 100 साल से अवेलेबल है, बट इसके ऊपर वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको भी दिखाऊंगा. बट आई होप यहां तक आपको क्लियर है रोहित, तो हम आगे चल सकते हैं इसके बाद. यस, इसके ऊपर आपका भी कोई क्वेश्चन होगा तो हम आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो ये एक ऑब्जर्वेशन आपसे. हाँ, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, राइट. ओके, नाउ अब इसके ऊपर एक चीज देखते हैं. मैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डेटा को लेकर के चलता हूँ. ओके, हम लोग इसको वी सी इट फ्रॉम लेट्स से मार्च. ओके, अब ये देखिए बाजार का एक बहुत अच्छा बुल रन है. ओके, हमने मार्च अप्रैल के आसपास से देखा बाजार ने एक बहुत अच्छा मूव दिया. ओके, नाउ यू सी, ध्यान से देखिएगा इसको रोहित. बाजार यहाँ पे गिरा हुआ था नीचे की तरफ. ओके, अब इस दिन को देखिए, 29 मार्च को मार्केट बैकवर्डेशन में गया, 17 पॉइंट नेगेटिव था. ओके, देन एज सून एज वी मूव्ड इनटू द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब यहाँ पे देखिए कि ये फॉरवर्डेशन में वापस बाजार आ गया 83 पॉइंट्स पॉजिटिव. ओके, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब जब बाजार बैकवर्डेशन में जाता है, क्योंकि जो नेगेटिव मार्केट या फिर जो हम ऐसा बोल सकते कि बाजार जो मंदी का बाजार होता है वो थोड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है. वो हम ऐसे भी समझ सकते कि बाजार जब बहुत तेज बुलिश मार्केट में होता है तो टेक टाइम, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता है. This but observation when... is right because this observation is right because I have seen that market ki jo ek innate nature hai that is actually bullish. Exactly. Over the period of time dekhe to sare chart bullish hote hai, right? Yeah. Mostly. But yeah. Inevitably agar hum yahan pe kisi cheez samajhne ki koshish kare to hota kya hai Rohit yahan pe ki jab bazaar gir raha hota hai to jaldi se girega aur fir recover karne lag jata hai. Even if you've seen in COVID also bazaar kitne 12000 se 7500 it just came into 3-4 weeks, right? एंड देन उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट ने पूरा रिकवर कर दिया. तो ये जो बेयर मार्केट होता है स्पेसिफिकली ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है और ये चीज इस चीज से बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है. तो मैंने ये ऑब्जर्व किया रोहित कि जब जब आप ये देखोगे कि बाजार बैकवर्डेशन में जाता है वहां से मार्केट बॉटम क्रिएट करता है. अब ये शायद डेटा हमारे पास अवेलेबल है बट हमने कभी शायद देखा नहीं. बट इफ यू ऑब्जर्व इट वेरी क्विकली, इस दिन को देखिए 29 को बाजार लो के आसपास था एंड उसके बाद बाजार ने एक अच्छा मूव दिया, राइट. एंड अगेन ऑब्जर्व करिए, ये सेकंड टाइम यहाँ पे बाजार बैकवर्डेशन में गया था. ओके, अराउंड 27 अप्रैल, उसके बाद भी देखिए बाजार ने अच्छा मूव दिया ऊपर की तरफ. एंड देन अगेन इस वाले मूव के आसपास 27 जून के आसपास बाजार ने फिर एक लो क्रिएट किया, उसके बाद से फिर बाजार ने मूव दिया, राइट. इस वाली ऑब्जर्वेशन को छोड़ दे तो यहाँ पे बाजार ने मूव नहीं दिया. नाउ कम टू दिस पॉइंट अगेन, समवेयर अराउंड ऑगस्ट में बैकवर्डेशन क्रिएट किया, उसके बाद से जैसे ही बाजार ने मूव पकड़ा, सी दैट कितना अच्छा मूव दिया वहां से. एंड देन अगेन इफ यू सी इसके बाद यहां से जैसे ही बैकवर्डेशन के बाद बाजार बाहर आया, एंड सी दैट अगेन मूव. और उसके बाद ये वाला भी देखिए, दिसंबर में भी मार्केट ने यहां कहीं पे बॉटम क्रिएट किया, उसके बाद भी एक लंबा मूव दिया. एंड रिसेंटली जहां जहां पर भी बाजार ने बैकवर्डेशन क्रिएट किया है उसके बाद से बाजार में मूव आया ही है. एंड रिसेंटली देखिए ये जो 28 फरवरी और 20 दो दिन से बाजार बैकवर्डेशन में था, राइट. तो ये जो फॉल आया है शायद बाजार ने यहां पर भी बॉटम क्रिएट करने का कोशिश किया. आज देखिए बाजार ऊपर है तो ये लो तो मार्केट बहुत नीचे छोड़ चुका है ना, राइट. तो ये अंडरस्टैंडिंग से अगर हम चले
तो हमें बहुत इजीली आइडेंटिफाई होता है कि जब जब बाजार बैकवर्डेशन में जा रहा है तो हम यू नो ये पर्टिकुलर स्टॉक इनहेरेंटली वहां पे बॉटम क्रिएट करता है, बट हम सिंपली इसको जाकर के ट्रेड नहीं करेंगे. ओके, वी विल ऐड मोर डेटा पॉइंट्स इनटू इट, बट ये समझ में जरूर आता है कि अगर हमने यहाँ पे 8-9 ऑब्जर्वेशन किया, 8-9 पे से शायद दो बार नहीं चला होगा, लेकिन ये 7 बार चला है, 7 बार ऐसा मूव आया है. कहने को ऐसा भी बोल सकते कि बाजार में कंटिन्यूसली बुलिश मार्केट था तो ऐसा हो रहा है, बट इफ यू ऑब्जर्व विद अदर स्टॉक्स ऑल्सो ऐसा उसमें भी फाइंड होता है. ओके, लेट्स से हम दूसरे स्टॉक्स देखते हैं. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक है. यहाँ पे देखिए, ये बॉटम पे था स्टॉक, उसने फिर यहाँ से बैकवर्डेशन से फॉरवर्डेशन में आया और उसके बाद ये मूव देखिए ऑरेंज वाला लाइन. ओके, यहाँ पर भी किया, उसके बाद भी मूव आया है. यहाँ पर था, एक बार नहीं चला, चलिए यहाँ पे था, उसके बाद से फिर स्टॉक ऊपर. सो इफ यू ऑब्जर्व दिस ऑन द स्टॉक्स ऑल्सो दिस परफॉर्म्स वेरी वेल. तो करना सिर्फ ये है कि हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टॉक बैकवर्डेशन में ट्रेड हो रहा है. बैकवर्डेशन से जब वो बाहर आता है वापस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक्स में ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू होता है कि मतलब वो स्टॉक बैकवर्डेशन में है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखिए, जैसे एबर्ट इंडिया, अब इसके अंदर ये स्टॉक कंटिन्यूसली बैकवर्डेशन में है. जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक हम उस पर व्यू क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैकवर्डेशन वाला मार्केट बहुत छोटा होता है. इफ दैट इज एक्सटेंडिंग तो हमको वेट करना पड़ेगा, बट जब भी वो बैकवर्डेशन से बाहर आएगा, वी कैन सी दैट कि मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है. ओके, एक मेरा लेमन क्वेश्चन है इसके ऊपर, मेरा एक लेमन क्वेश्चन है इसके ऊपर. व्हाट वी आर सीइंग हियर इज अ लाइन चार्ट, ओके, एंड दैट टू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बेसिस, ठीक है? यस यस. व्हेन वी स्पीक अबाउट द ब्रॉडर मार्केट्स, जब वो इस बैकवर्ड मूवमेंट में से बाहर निकलता है, जब जो प्रीमियम्स है वो डिस्काउंट से बेसिकली प्रीमियम में चले जाते हैं, ठीक है? एग्जैक्टली. उस टाइम पे नाउ लुक, मैक्सिमम पीपल आउट देयर दे आर इंडेक्स ट्रेडर्स, ठीक है, या फिर फ्यूचर्स ट्रेडर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर्स और इंडेक्स, स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े आते हैं उस टाइम के ऊपर, ठीक है? एग्जैक्टली. एंड दिस मूव इज गोइंग टू बी प्रोबेबली पोजिशनल, ठीक है? एग्जैक्टली. या या, तो आपने कभी इस डाटा को बैक टेस्ट करके देखा है कि एग्जैक्टली लेट्स से व्हेन इट इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ डिस्काउंट टू प्रीमियम, उसके बाद अगर हम उसको अगर टेस्ट करें तो व्हाट हैज बीन द ओवरऑल रिजल्ट्स ऑफ दैट थिंग. आप यहां तक पहुंचे हो तो आई होप दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो. द रीजन वी आर शेयरिंग दीज वीडियोज इज सो दैट ट्रेडिंग कम्युनिटी कैन गेट सम स्ट्रेटजीज विच आर इम्प्लीमेंटेबल इन द लाइव मार्केट. मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज दैट वी सी ऑन यूट्यूब आर ऑलवेज वेरी बेसिक एंड प्रैक्टिकली नॉट वर्किंग इन द लाइव मार्केट. दैट इज वाई वी आर ब्रिंगिंग द रियल ट्रेडर्स एंड शूटिंग सम ग्रेट कॉन्टेंट विद दैम. The only way you can support us is by liking the videos, by putting your comments and sharing it with the fellow traders. And also do subscribe to our YouTube channel to show your support to us. Generally, मैंने indices पे इसको test किया है रोहित, okay? And we have a good result कि generally मैंने ऐसा test किया था कि अगर backwardation में जाता है तो उसके बाद ये stock 5-6 दिन में चलता है क्या? Nifty 5-6 दिन में move आया है क्या? Because which gives a good result even in Bank Nifty Nifty, right? Okay, but मैंने क्या सोचा इसके ऊपर कि मुझे पता है कि इसका स्ट्राइक रेट जो है वो कितना होगा. आप ऐसा कह सकते हो कि 60% हो सकता है, ओके, मैक्स टू मैक्स अगर जाएगा तो 70% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा. ओके, बट ओके, जब हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आई टॉक अबाउट कि अगर हम ट्रेड गलत होता है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस इसमें बड़े होते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट. ओके, क्योंकि बॉटम क्रिएट किया फिर उसके बाद रिवर्स करेगा तो वी हैव अ बिग स्टॉप लॉस, बट आई हैव अ एडजस्टमेंट केस इन दिस. तो जब हम स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे तो आई विल सॉल्व दैट इशू ऑल्सो. ओके, तो इसको ट्रेड कैसे करना है वो स्पेसिफिक बात है. हम एक सिर्फ अभी सिर्फ हमने सिर्फ एक सिंपल सा डेटा स्टडी किया है कि ऐसा होता है कि जब भी मार्केट बैकवर्डेशन में जाता है तो वहां से स्टॉक में बॉटम क्रिएट होता है जिसका स्ट्राइक रेट आप ये मान के चलो 60% है, उससे ज्यादा नहीं बोल रहा मैं. ओके, okay? अब इसके साथ हम और डेटा ऐड करेंगे तो शायद हमारा स्ट्राइक रेट इसमें इंप्रूव हो जाएगा. ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, या अब ये डेटा एक्सेस कैसे करें? तो ये डेटा एक्सेस आप क्वांटसैप पे कर सकते हो. दिस टूल इज वेरी फ्री, आप इसको सिंपली यूज कर सकते हो एंड इसमें कोई वो चीज नहीं है. और डेटा ईओडी पे अवेलेबल होता है. जैसे अगर आप आज का देखोगे तो ये 29 फरवरी का दिखा रहा है और हमें एनालिसिस भी ईओडी पे ही करना है, तो शाम को ये डेटा अपडेट हो जाएगा और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये बैकवर्डेशन में था या नहीं था. जैसे कल भी था और आज का अगर मैं चेक करूं, आज मैं कंपेयर भी कर सकता हूं कि एबर्ट इंडिया का स्पॉट प्राइस और उसका फ्यूचर क्या डिफरेंस है. अगर वो पॉजिटिव है तो मुझे पता है वो बैकवर्डेशन से बाहर आ चुका है, राइट? वी कैन सिंपली कंपेयर दैट. ओके, तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है. ओके, यहां तक हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं. नाउ सेकंड पॉइंट ये होता है कि यहां पे स्टॉक ने बॉटम क्रिएट किया नहीं किया,
यहाँ पे स्टॉक ने बॉटम क्रिएट किया नहीं किया, यहाँ पे किया नहीं किया, ये कैसे पता चलेगा? इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हमको ये जानना होता है कि ऑप्शन ट्रेडर्स कैसे प्लेस्ड हैं बाजार में। ये तो हमने फ्यूचर्स का डेटा देखा, ओके, कि फ्यूचर डेटा से हमको ये पता चलता है कि शायद मार्केट यहाँ पे बॉटम पे है, ओके। अब हम इसके बाद दो चीजें ऑब्जर्व करेंगे, अगर वो चीज हमारे फेवर में होती है तो डेफिनेटली विल गो एंड टेक अ ट्रेड, ठीक है, ओके। अब हम ऑप्शंस डेटा के ऊपर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी का ही चार्ट ओपन करता हूं, बिकॉज हमने निफ्टी में देखा है कि वी हैव द बैकवर्डेशन यस्टरडे, ओके, और अगर हम आज देखेंगे तो ऑब्वियसली बाजार ऊपर आ चुका होगा बिकॉज ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, तो फ्यूचर और स्पॉट के बीच में डिफरेंट पॉजिटिव हो चुका होगा, दैट इज वन थिंग। अब हम जाएंगे ऑप्शन चेन के ऊपर, ओके, विल सी द ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी, ओके। अगर आप ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करें तो इस ऑप्शन चेन के अंदर एवरीथिंग इज लाइव, सारा डेटा इसके अंदर लाइव है, और दूसरी चीज हमारे पास इसमें ऑप्शन ग्रीक्स का डेटा भी अवेलेबल है और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी अवेलेबल है। बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि एनएससी अपनी वेबसाइट पे लॉट्स के अंदर शो करता है ओपन इंटरेस्ट को, हम लोग यहाँ पे अभी भी क्वांटिटी में ही शो करते हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ओके। नाउ लुकिंग एट द करंट एक्सपायरी, जो हम करंट एक्सपायरी देख रहे हैं या फिर हम अगली वाली भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप देखो 22,200 के आसपास वी हैव द हाईएस्ट ऑलमोस्ट कॉल ऑप्शन, जिसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ट अप है, और 22,000 में अप्रोक्सीमेटली पुट के अंदर, बट हम अगर इस स्ट्राइक को ऑब्जर्व करें 22,200 को, तो यहाँ पे कॉल और पुट में अप्रोक्सीमेटली बराबर बराबर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ओके। जनरली ये ओपन इंटरेस्ट प्लेसमेंट जो है वो ये हमको शो करता है कि प्रॉबली पीपल हैव क्रिएटेड अ स्ट्रैडल एट 2200, ओके, ये चीज इससे ऑब्जर्व होके पता चलती है, और ज्यादा सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 22,000 पे प्लेस्ड है, ओके, तो बाजार वहां से रिवर्स भी किया है, ओके, तो ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाता है बाजार के लिए, क्योंकि यहाँ से जिन्होंने भी ऑप्शन राइट को, जिन्होंने ऑप्शन राइट किया है 22,000 का, उससे हमको ये पता चलता है कि दिस इज अ बेस फॉर अ मार्केट, ओके। यहाँ पे ऑप्शन राइटर पुट राइटर ऑप्शंस को राइट कर रहे, दैट मींस दे डोंट वांट कि मार्केट इसके नीचे जाए, ओके, दिस इज द फर्स्ट प्लेसमेंट, और जहां पे सबसे ज्यादा बिल्ट अप है कॉल के अंदर, बाजार उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट, दैट मींस देयर इज अ ऑलरेडी ब्रेकआउट इज देयर ऑन द कॉल ऑप्शन साइड, राइट, दैट मींस यहां से बाजार बुलिश है, और आप पुट में भी देखोगे तो इसमें भी काफी अच्छा बिल्ट अप हो रहा है, इस 67 लाख के अंदर 54 एडिशन तो आज ही हुआ है, राइट, और इस 52 में 19 ऐड हुआ है, दैट मींस यहां पे ऐड हुआ होगा तो अनवाइंड हो गया होगा अब तक, दैट मींस क्लियर कट यहां पे हमको एक ब्रेकआउट दिख रहा है इसके अंदर, जहां पे हम निफ्टी में देख रहे हैं कि मार्केट इज गोइंग टू गो अप। तो दो डेटा पॉइंट हमारे फेवर में आ चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट इज कि फ्यूचर्स डेटा हमको ये बताता है कि मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया है रिसेंटली, सेकंड चीज ऑप्शंस डेटा को भी देख करके हमको ये चीज पता चलती है कि यहां से ऑप्शंस डेटा आर प्लेस्ड ऑन बाइंग साइड, ओके। तो बट एक बात मुझे बताइए, नॉर्मल इंटरप्रिटेशन 22,200 के ऊपर ये है कि इफ यहां पे 52 लाख का कॉल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, और 67 लाख का पुट के ऊपर ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, 22,200 के ऊपर 19 लाख आज ऐड हुआ है, 20,200 के ऊपर यहाँ पे आज कितना ऐड हुआ है, 54 लाख टोटली 67, करंटली 67, उसमें 54 आज एडिशन हुआ है, ओके, टोटली 67, इसमें 54 आज ऐड हुआ है, यहाँ पे टोटल दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, हां इफ दैट इज अ पॉजिटिव नंबर वी आर सेइंग वो एडिशन है, ओके, वो एडिशन, और अगर वो नेगेटिव होगा तो लेट्स सी कि वो अनवाइंड हुआ है वहां पे, राइट, बट इफ वी लुक एट द मार्केट राइट नाउ, ठीक है, अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है, निफ्टी इज एट 22,230, ठीक है, 22,230 अप्रोक्सीमेटली, उस केस के अंदर यहाँ पे जो प्रीमियम है अप्रोक्सीमेटली 320 पॉइंट्स का है, ठीक है, सो हुएवर इज राइटिंग दिस पोजीशन 200 and 136 अप्रोक्सीमेटली 340 का प्रीमियम है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है इट इज नॉट गोइंग टू गेट इनटू एनी लॉस टिल द टाइम ही इज ट्रेडिंग बिटवीन 22,100 and 22,400, ठीक है, एग्जैक्टली, सो हाउ कैन वी अस्यूम कि इट इज अ ब्रेकआउट टू द अपर साइड? ब्रेकआउट हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज आप देखिए कि दो चीजें हैं, ये अगर ऐसा होता ना जैसा आप बोल रहे हो कि अगर स्ट्रैडल प्रीमियम की बात करें तो ये वाला प्रीमियम यहाँ पे होना चाहिए था, ये जो 80 लाख का है, राइट, आप ये भी तो देखिए ना कि जो बेस क्रिएट किया है वो 22,000 पे बेस क्रिएट हुआ है बाजार का, ओके? और ये जो स्ट्रैडल है, बिल्कुल आप कह रहे हो, क्योंकि मार्केट में अलग अलग तरीके के ट्रेडर होते हैं, बहुत लोगों ने इस एंटिसिपेशन में ये ट्रेड किया होगा कि हम लोग स्ट्रैडल बना लेते हैं और
₹220 यहाँ पे मुझे मिल रहा है और ₹135 यहाँ पे मिल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं देखूँ तो 1330 के आसपास का प्रीमियम है, तो 500 तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, राइट? यही है ना, ये अंडरस्टैंडिंग होती है, विच इज ओके. बट आप ये चीज देखिए कि बाजार इन दोनों लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड प्रोबेबली इवन इफ द मार्केट फॉल्स, इस पे बेस क्रिएट हो जाएगा. फिर अगर थोड़ा सा बाजार नीचे की तरफ आता भी है तो यहाँ पे काफी ज्यादा एडिशन हो रहा है. आप एडिशन किस तरफ हो रहा है वो भी देखिए, एडिशन जो है पुट साइड में ज्यादा एडिशन हो रहा है, 54 56 यहाँ पे ऐड हुआ है, 44 यहाँ पे ऐड हुआ है, बट कॉल में इतना एडिशन दिख ही नहीं रहा है मेरे को कहीं पर भी. सिर्फ 19 लाख एडिशन हुआ है. वो ये भी हो सकता है कि बाजार जब ऊपर गया होगा तो उसमें काफी अनवाइंड हो गया होगा आज, क्योंकि कल भी पोजिशन क्रिएट हुआ होगा ना, तो अभी कल के हिसाब से आज 19 लाख ऐड हुआ है, बट हायर एडिशन इज हैविंग ऑन द पुट साइड. ओके, इसका एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन और दिखाता हूँ, मतलब दूसरे चार्ट में, बट वो फ्री अवेलेबल नहीं, बट मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि उससे हमें इजीली इंटरप्रिटेशन होता है. ओके, बट ये भी आप देख करके एनालिसिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर. तो अगर हम ये चीज देखें तो हमें ये देख करके बहुत इजीली पता चल जाएगा इसके अंदर कि कहाँ पे ज्यादा बिल्टअप हो रहा है. अगर अब आप इस चार्ट को देखें, ओके, अब इसमें जो ब्लू लाइन्स हैं, सॉरी ग्रीन लाइन्स हैं, वो सारी कॉल की हैं, और जो भी रेड वाली हैं पुट की है. तो अभी आप खुद देखिए इसमें सबसे ज्यादा एडिशन किस तरफ हो रहा है. आप अक्रॉस रेड में देखेंगे तो सब में बहुत ज्यादा एडिशन है, और कॉल में इतना एग्रेसिव बहुत ऊपर है. देखिए 23,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 7th मार्च में. सो ये वाला ओपन इंटरेस्ट यहां होना चाहिए था, ना कि इतना दूर. कोई ये एंटिसिपेट करके 23,000 को बेच रहा है कि बाजार इस एक्सपायरी में 27th मार्च से पहले पहले 23,000 को ब्रेक नहीं करेगा, राइट? सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट उसके ऊपर है. अगर आप देखिए कितना क्वांटिटी, 57 लाख, जिसमें 15 लाख आज एडिशन हुआ है, और आप देखो इस वाले में भी आज जो उसमें 19 लाख एडिशन हुआ है. तो दिस डजंट मेक सेंस. अब यहाँ पे देखो बाजार गिरेगा तो हर लेवल पे आपको सपोर्ट है, 22,200 पे भी है, 100 पे भी है और 22,000 पे भी है, बट ऊपर जाएगा तो पूरा यू नो द ग्राउंड इज ओपन. दिख रहा है आपको ये चीज? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि इसीलिए बेस जो क्रिएट हो रहा है वो पुट साइड में नीचे में बहुत ज्यादा हो रहा है. बेसिकली व्हाट यू मीन इज कि अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है तो 23,000 के लेवल के लिए दिस इज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. एग्जैक्टली, अगर आप देखो कहां पे रेजिस्टेंस आना शुरू होगा, 22,700-22,800 जहां पे अच्छा बिल्ट अप हो रहा है. 600 तक तो मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, बिकॉज अक्रॉस यू सी इनमें सब में बराबर ओपन इंटरेस्ट बिल्ट अप है. Because premium basis ke upar hum log ek discount ke andar se premium mein aaye to we anticipated ki ek bottom ban rahi hai. Now humne usko weekly option chain ke upar jaake analyze karna shuru kiya. So we are seeing that the put writing is there and that is considerably higher than the call side. That is why we are taking it as a bullish signal. Ab iske upar if we are trading positionally, theek hai, let's say. तो वेयर शुड वन कीप हिज स्टॉप लॉस की नहीं यार यहां पे आके मैं गलत हो चुका हूं. हाँ, तो लॉजिकली अब यहां पे देखो सबसे ज्यादा अगर पोजीशन देखें तो जो पुट में बिल्ट अप हो रहा है वो मेरे लिए 22,200 पे हो रहा है. ओके, और नहीं तो सबसे ज्यादा 22,000 ये वाला है. तो कहीं पर भी हम गलत होंगे तो 22,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 22,000 के लेवल पे हम गलत होंगे. ओके, तो इसके नीचे अगर बाजार मान लीजिए, क्योंकि 200 पॉइंट बाजार को गिरने में टाइम नहीं लगेगा. ओके, इट कैन गिव यू इन जस्ट अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स, है ना, बाजार गिरेगा तो 22,000 लेवल ऐसे ही तोड़ देगा. ओके, दैट्स 0.80% राइट नाउ. सो लॉजिक सिर्फ इतना सा ये है कि 22,000 हमारे लिए जो है वो हमारा बेस सपोर्ट हो गया. यहाँ पे अगर 22,000 टूटेगा तो दिस ट्रेड गोज रॉन्ग, या जो रिसेंट मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया है. बट अपर साइड में हम 23 लेवल को टारगेट कर सकते हैं, 23,000 को, बिकॉज द ग्राउंड इज ओपन ऑन द हायर साइड. अगर ये मूव चलेगा तो 23,000 लेवल को अचीव करने में मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट? ओके, या ओके. नाउ क्वेश्चन कम्स, अब ये तो हमने देख लिया. इसके साथ बहुत सारे लोग एक चीज और यूज करते हैं जो माइट मेक इट इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. ओके, जहां पे हम लोग पुट कॉल रेशियो यूज करते हैं. ओके, पुट कॉल रेशियो के साथ मैं बस इसको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको आप कैसे यूज करो. ओके, हम यहाँ पे निफ्टी सर्च करेंगे. जनरली हम देखें तो निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो होता है वो हिस्टोरिकली अगर हम देखें, चार्ट को हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं. ओके, तो अगर आप थोड़ा सा मैं पीछे लेकर के चलता हूँ इसमें. ओके, नाउ इफ यू सी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, ये एक डेटा हमको और हेल्प करता है मार्केट का बॉटम ढूंढने में. जब जब आप देखोगे मोस्ट प्रॉब्ली 0.8 और 0.7 का जो लेवल है, या 0.6 मान लीजिए, इसके आसपास बाजार बॉटम बना लेता है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो और
मार्केट का पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसका मतलब ये है कि जब जब बाजार पुट कॉल रेशियो बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, और पुट कॉल रेशियो गिरेगा तो बाजार नीचे गिरेगा। ये दोनों का रिलेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, और एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है पुट कॉल रेशियो की, दैट इट्स मीन रिवर्टिंग। आप देखेंगे एक लेवल पे जाता है, गिर जाता है, तो 0.4 के आसपास ऊपर जाता है तो इट बिकम ओवरबॉट, ओके, और 0.7 0.8 के आसपास आता है तो इट बिकम ओवरसोल्ड, तो वहां से वो मीन रिवर्ट कर जाता है। तो हम रिसेंटली अगर हम बॉटम की बात करें तो देखिए ये 28 फरवरी को क्या लेवल था इसका, 0.06। अगर आप पुट कॉल रेशियो देखोगे जहां पे बॉटम क्रिएट हुआ है वहीं पे पुट कॉल रेशियो भी मेरे को बता रहा है कि वी हैव अ वैल्यू ऑफ 0.6862, right? This is something I can reconfirm because I used to do a very in-depth option chain analysis और उसके अंदर मैं PCR को track करता था, ठीक है? In my initial days, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, okay? I don't know, मतलब आपको ये चीज़ पता नहीं है, but when I was, you know, few years back की बात बताता हूँ मैं आपको, out of this context है, मैं भी जब ये अपनी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा lately option सीखा है, okay? And बिकॉज मैं मार्केट में 10 साल से हूँ, बट आई यूज टू डू फ्यूचर ट्रेडिंग, फिर नुकसान किया, तब जाके समझ में आया कि ऑप्शन सीखना चाहिए था। तो 2017 या 16 के आसपास से मैंने ऑप्शंस को सीखना शुरू किया। रोहित, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी बुक है एक, राइट? आपको पता होगा, राइट? वो बुक मैंने खरीदी थी एक्चुअली, एंड आई स्टडीड दैट होल बुक, और आपने उसमें वो सारा डेटा पॉइंट जो मार्क करके रखा हुआ है ना, आई हैव दैट एंड आई हैव स्टडीड योर होल बुक, राइट? ओके, और उसमें वो मैंने वो इसलिए खरीदा था क्योंकि उसमें लिखा था कि एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट? ओके, तो मेरे को एडवांस लेवल सीखना था, एंड दैट बुक एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट, राइट? उस चीज से मैंने ये चीज अंडरस्टैंड किया, एंड दैट आई गॉट टू नो ये सब चीजें कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, राइट? ओके, एंड ये सारा डेटा पॉइंट फिर मैंने उसी से रिलेट करना शुरू किया, एंड देन आई गॉट लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दैट ऑल्सो, राइट? एंड इट मैचेस विद व्हाट आई एक्चुअली डिड, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ पुट कॉल रेशियो का एक्चुअल में मतलब क्या है, कि पुट्स वर्सेस कॉल की राइटिंग कितनी हो रही है, ठीक है? एग्जैक्टली, यस, यस। If this number is very less, that means a lot of calls have been written, ठीक है? And puts के ऊपर activity बहुत ज़्यादा कम हुई है, put का number बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? So अगर call की writing बहुत ज़्यादा high है, and put की writing बहुत ज़्यादा कम है, that means writers are more in the market and market should be bearish. But constantly उस number को observe करने के बाद, what I observed is कि जब भी put call ratio Nifty की या bank Nifty की 0.65 के नीचे जाती है, next day the market used to bounce. Exactly, and same happened. You can see that. तो पहले मेरे लिए वो चीज समझनी बड़ी मुश्किल हो रही थी, यार ये तो call writers थे तो market bounce क्यों कर गई? Exactly. It should be a sell signal. How it is acting as a buy signal? तो जो चीज आप बता रहे हो ना कि इसका correlation एक bullish side को है, I took it as कि at this time market is now extremely oversold. Yes. That is why next day the buying is happening. So if I see कि इतनी ज़्यादा call writing हुई पड़ी है कि PCR 0.6 के नीचे पहुंच गई है, I'm not going to sell that market. Exactly. सही कह रहे हो, this is the understanding only. और आप देखो, अगर हम simple chart को observe भी करें तो देखिए put call issue ऊपर जा रहा है तो market भी ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है तो नीचे आ रहा है. ये सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है. देखिए यहाँ पे इसने टॉप क्रिएट किया, वहां से नीचे गिरना शुरू, बाजार भी नीचे आया, फिर 0.6 के आसपास जब इसने बॉटम क्रिएट किया, एंड सी दैट मार्केट शूट अप. यस, तो तीन डेटा पॉइंट्स देखे हमने जहां पे हमको ये समझ में आता है कि यार पहले फ्यूचर्स डेटा से हमको समझ में आया कि बेसिस ने हमको ये बताया कि मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया. देन हमने ऑप्शन चेन को एनालाइज किया, वहां पे भी हमको डेटा बता रहा है कि ऑप्शन के अंदर अपर साइड में कॉल में ब्रेकआउट है और पुट में अच्छा बेस क्रिएट हो रहा है. थर्ड थिंग हमने रिकन्फर्म कर लिया अब कि जहां पे पुट कॉल रेशियो 0.6 के आसपास आता है, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, वहां से मीन रिवर्ट करता है एंड इट गोज अप. तो ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट यहां से इस तरीके से बुलिश हो रहा है. तो तीन डेटा पॉइंट्स देख करके मेरे को बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया और मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहिए. तो हमारे पास अब सेटअप क्रिएट है, सेटअप रेडी है पूरा, अब इसको ट्रेड करना है उस पर बात करेंगे. अभी तक हमने ये देखा कि फ्यूचर्स का डेटा जो हम देखते हैं उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि व्हेनेवर वी सी द बेसिस, ओके, so whenever stock go into backwardation, right, okay, so वो चीज हमें पता चलती है कि वहां पे बॉटम क्रिएट हो रहा है, ओके. तो सिंपल सा लॉजिक सिर्फ ये है कि जब भी स्टॉक बैकवर्डेशन क्रिएट करेगा, राइट, मैं जस्ट टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, सो इट क्रिएट बॉटम, राइट, ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ये एक हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ जो हमने एक डेटा को देख के अंडरस्टैंड किया, ओके.
सेकंड हमने ऑप्शंस का दो डेटा चेक किया, ओके, जहां पे हमने ऑप्शन चेन में देखा दैट हाउ द ऑप्शन ट्रेडर्स आर प्लेस्ड, ओके, तो जहां पर भी हमको पुट के अंदर काफी ज्यादा बिल्टअप दिख रहा है उसके हिसाब से हम लोग यू नो वी कैन प्रोसीड दैट. जो हमने अभी एनालिसिस किया ऑप्शन चेन के अंदर, जहां पे हमने ये देखा कि स्पेसिफिकली जो राइटर्स थे वो पुट में बहुत ज्यादा एडिशन कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली कॉल के अंदर ब्रेकआउट आया था, राइट, सो दैट इज व्हाट वी हैव. उसके हिसाब से सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा ये था, ओके, एंड दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड. और थर्ड थिंग जो हमने ऑप्शंस का एक और डेटा चेक किया विच इज पीसीआर, ओके, तो पीसीआर द पॉइंट सो ओवरबॉट होता है, ओके, दैट इज अराउंड 1.2 से 1.4 के आसपास, ओके, एंड देन वी हैव ओवरसोल्ड होता है डेटा अराउंड 0.8 से 0.6 के आसपास, ओके, सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव. तो ये डेटा को देख करके हमारे पास हमारा एक सेटअप क्रिएट होता है, ओके, दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. नाउ अब इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि हमें करना क्या चाहिए, ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड स्ट्रैटेजी, ओके, स्ट्रैटेजी क्या करना चाहिए, ओके, तो अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा और इसके ऊपर मैं एडजस्टमेंट भी बताऊंगा कि क्या करना है, ओके. जनरली दो चीजें कर सकते हैं हम लोग, ओके. सबसे पहली चीज जो हम मैं ट्राई करता हूँ ज्यादातर या मुझे करना होता है, मैं इसमें ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड ट्राई करता हूँ, ओके, ओके. ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड का मतलब क्या होता है, वी बाय वन ओटीएम स्ट्राइक, ओके, ओटीएम स्ट्राइक मतलब दो स्ट्राइक अबव या एक स्ट्राइक अबव, ओके, सो लेट से टू स्ट्राइक अबव बाय करना है, ओके, एंड सेल वन ओटीएम, अब ऐसा कह लो कि फोर या फाइव स्ट्राइक अबव, ओके, ऐसा कह सकते हैं, ओके. अब ये डिफरेंशिएट हो सकता है बिकॉज दीज नंबर्स आर नॉट स्पेसिफिक, कभी एक के ऊपर भी हो सकता है, तो इसमें आपका आरआर जो होना चाहिए वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3:1 के ऊपर आना चाहिए, ओके. रिवॉर्ड टू रिस्क जो हमारा है वो 3:1 होगा तभी हम ये चीज एग्जीक्यूट करेंगे, तो इससे हम अपना बहुत इजीली ये चीज मेंटेन कर सकते हैं, ओके. नाउ लेट मी कम टू द स्क्रीन जहां पे मैं आपको दिखा पाऊं कि ये कैसे बनाना है, ओके. नाउ हम लोग क्या करेंगे, सर्च ऑप्शन में जाएंगे यहां पे एंड विल टाइप आर्किटेक्ट, ओके. सो ऑप्शन आर्किटेक्ट नथिंग इज अ स्ट्रैटेजी बिल्डर, ओके, तो आप इसके ऊपर स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी पे बनाना चाहता हूँ, लेट्स से आई गो विद अ मंथली एक्सपायरी बिकॉज मुझे मेरा व्यू थोड़ा सा लॉन्ग है यहाँ पे, ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो फॉर अ ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड, ओके. तो अभी बाजार 22,400 पे ट्रेड हो रहा है एज कम्पेयर टू द फ्यूचर प्राइस, ओके, तो लेट्स से मैं 22,500 का ऑप्शन खरीदता हूँ यहाँ पे, 22,500 आई विल बाय, ओके, एंड व्हाट आई विल डू इज थोड़ा ऊपर का ऑप्शन जाकर के मैं बेचूंगा, ओके, सो 22,000 लेट्स से 800 आई विल सेल, ओके. तो जहां पे मेरा 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड जब तक नहीं आएगा विल नॉट डू, ओके, तो 23,000 भी कर सकता हूं मैं अप्रोक्सीमेटली, या फिर 2.5 के आसपास भी आ रहा है तो वी कैन सिंपली गो एंड चेक दैट, ओके. तो ये तो 1.5 ही हो रहा है, तो हमको थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर सकते हैं या फिर हम इसको थोड़ा चेंज करके देख सकते हैं, जहां पे एटलीस्ट हमको 2.5 तक ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए, राइट. 12-18 नहीं मिल रहा है, ओके, तो 500 से ही स्टार्ट करते हैं, ऊपर की तरफ खिसका देते थोड़ा सा, सो प्रॉब्ली दिस शुड बी द, ओके, 11 और 23 अप्रोक्सीमेटली 2:5 हो चुका है, तो ये स्ट्रैटेजी हम लोग क्रिएट करेंगे. नाउ इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या करना होगा, राइट. तो आप इसमें दो चीज देखिए, यहां पे हमको ओपन इंटरेस्ट भी बिल्ट अप दिखता है कि कहां कहां पे ओपन इंटरेस्ट बिल्ट अप हो रखा है हाईएस्ट, ओके. तो स्पेसिफिकली 23,000 पे ही हमारे पास जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल के अंदर वो यहाँ पे बिल्ट अप दिख रहा है, तो हमारे पास कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है और 22,000 पे हमारा कॉल वाला जो बिल्ट अप है वो यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है, राइट, इजीली, राइट. तो देख सकते हैं वो पोजीशन हमको यहाँ से भी दिख रही है, तो वी कैन सिंपली सी दैट बाजार इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए ऊपर जाकर के. तो ये हमारा महीने भर का व्यू है, ओके. अब अकॉर्डिंगली हम अपने लॉट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, बट हमें ये ध्यान में रखना है हमेशा कि इस चीज को हम लोग इस तरीके से एग्जीक्यूट करें जहां पे हमारे पास टाइम भी हो और यू नो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा हो. ये एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है जिसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं, बट मेक श्योर वी ऑलवेज क्रिएट ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड.
एटीएम से स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमको ये रिस्क रिवॉर्ड कभी मेंटेन नहीं होगा, वो 1:1 के आसपास ही रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो ये चीज है, 23,000 के आसपास बाजार आएगा तो हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। अगर हमारा व्यू उसके बाद भी बुलिश है तो विल डू द एडजस्टमेंट कि हम यहाँ पे स्प्रेड को ऊपर की तरफ थोड़ा स्ट्रेच कर दें, कि हम क्या करेंगे वहां पे आकर के पूरे स्प्रेड को बुक कर देंगे जो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बाजार आएगा, लेट से मैं अज्यूम कर रहा हूँ रोहित कि अगले 10 डेज के अंदर अंदर बाजार आ जाएगा 23,000 यहाँ पे। ओके ठीक है, तो 23,000 मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ओके, तो 23,000 आएगा तो मेरे को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा स्ट्रेटेजी के अंदर, राइट? अप्रोक्सीमेटली Now, when I'm in already in profit, 25,000 रुपए लगा करके मैं 10,000 के प्रॉफिट में बैठा हूंगा तो आई एम वेरी गुड इन टू दिस। ओके, नाउ वट आई नीड टू डू इज, अब इस ट्रेड पे मुझे मेरा व्यू है कि अभी भी बाजार यार बुलिश लग रहा है, डेटा को वहां पे मैंने स्टडी किया एंड आई सी दैट कि मार्केट स्टिल लुक्स बुलिश की यहां से 23,500 तक बाजार जाना चाहिए। तो वट आई डू इज आई एल बुक दिस होल स्प्रेड, इस पूरे स्प्रेड को बुक करूंगा। ओके, एंड वट आई डू इज आई एल शिफ्ट इट टू द हायर साइड, मतलब 23,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया और 23,500 का बेचा। अभी आप इसमें डिफरेंस देखोगे तो कितना है, 700 पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली। इवेंचुअली आई विल रिड्यूस दैट डिफरेंस, 500 पॉइंट का कर दूंगा या 400 पॉइंट का कर दूंगा। ओके, बिकॉज जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी पास आती जाएगी जो आपकी सेल साइड वाली ऑप्शंस है उनके प्राइसेस कम होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको करके दिखाऊँ, हाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं करके दिखाऊँ आपको, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी कि मैंने इस ऑप्शन को I bought it this option around 300 का है ना price, तो let's say for example मैंने इसको 200 पे खरीदा था, for example I'm just changing it manually price, okay? या 150 पे खरीदा था, let's say, okay, 150 पे मैंने इसको खरीदा था and इस options को मैंने बेचा था let's say 30 rupees पे, okay? Okay, so this is what I'm having right now, okay? ये मेरा adjustment, ये मेरा profit है, अब मैं profit पे हूँ let's say strategy में 5,000 के, अब मुझे इसको book करना है और मुझे इसको ऊपर shift करना है, so what I'll do is मैं इसको बुक कर लेता हूँ, जस्ट इट्स अ डमी थिंग। ओके, मैं डमी करके दिखा रहा हूँ कि करना क्या एक्चुअली। मैंने इसको बुक कर दिया और इस वाले को भी मैंने बाय कर लिया, मैंने पूरा स्ट्रेटेजी गैप कर दिया। ओके, मैं इस 5,000 का M2M मैंने ले लिया अपनी जेब में। ओके, नाउ इफ आई डू अ ट्रेड, अब मैं इसको ट्रेड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर का ही ट्रेड ले रहा हूँ तो 22,600 मैंने खरीदा। ओके, और जो सेल करूंगा उसका डिफरेंस मैं क्लोज कर दूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सोल्ड इट लेट्स से 900। ओके, नाउ सी दिस, जब मैं प्रॉफिट में था और उसके बाद मैंने स्प्रेड को एडजस्ट किया तो देखिए मेरा लॉस एकदम खत्म हो चुका है नीचे, कि अगर मैं यहां से गलत भी हो गया तो मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा, बट अगेन इफ आई गो राइट तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी उसके अंदर 15,000 भी हो सकता है, तो माई फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी 15,000 और अगर मैं गलत हो गया तो मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा, सो दैट इज द एडजस्टमेंट दैट वी नीड टू डू, राइट? अगर मैं फेवर में जाता है, बाजार मेरे फेवर में जाता है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल शिफ्ट द स्प्रेड ऑन द हायर साइड, बिकॉज जो प्रॉफिट मैंने कमाया है उसको मैं रिस्क कर सकता हूं टू इंप्रोवाइज माय प्रॉफिट फर्दर। तो नीचे की साइड में अगर आप देखें तो मेरा लॉस एकदम जीरो हो चुका है, बट हायर साइड में अगर मैं 5,000 अभी कमाया था, बाजार और मेरे फेवर में जाएगा तो आई विल मेक 15,000 मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे। गाइस, व्हाट राहुल हियर इज डूइंग इज एक्चुअली वेरी क्लेवर, ठीक है? आई विल टेल यू व्हाई। जब हम लोग एक यहाँ पे सबसे पहली बात समझने वाली है कि राहुल ने डेबिट स्प्रेड किया है, ठीक है? Exactly, yes. He is not doing a credit spread. अगर क्रेडिट स्प्रेड यहाँ पे राहुल करता तो एक तो उसको OTM के अंदर प्रीमियम कम मिलता, दूसरा मैक्सिमम लॉस बहुत ज्यादा रहना था, ठीक है? हेयर व्हाट राहुल डिड इज, इसने एक तो बॉटम बाइंग की हुई है, बॉटम बाइंग करने के बाद व्हेन ही शिफ्टेड इनटू अ बुल कॉल स्प्रेड, दैट्स एक्चुअली अ डेबिट स्प्रेड, एंड बिकॉज डेबिट स्प्रेड इज आउट ऑफ द मनी, रिस्क हमेशा कम होने वाला है, रिवार्ड हमेशा ज्यादा होने वाला है, ठीक है? दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज, जितना एक्सपायरी पास आती जाएगी जो नेक्स्ट स्प्रेड बनेगा बुल कॉल स्प्रेड का, अगर स्टार्टिंग में रिस्क रिवॉर्ड 1:3 था तो एक्सपायरी के पास आके वो रिस्क रिवॉर्ड 1:9 का भी हो जाएगा। सो इफ राहुल वाज टेकिंग अ लॉस, मैक्सिमम लॉस ऑफ 25,000 इन द स्टार्टिंग, बाय द टाइम ही इज इन प्रॉफिट, ही इज क्रिएटिंग अ नेक्स्ट बुल स्प्रेड, ही इज टेकिंग अ मैक्स लॉस ऑन दैट ऑफ लेट्स से 12,000। सो 10,000 तो प्रॉफिट ही हैज ऑलरेडी टेकन, नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर हिज मैक्स लॉस इज कमिंग एट 12,000, ठीक है? सो इवन इफ हिज ट्रेड्स loses right now, he is actually losing only 2,000. Otherwise, he is netting on a 27,000, 28,000, somewhere around
20,000 to 22,000 rupees. So that's a 70-80% return. If I'm not wrong somewhere, है ना? Exactly, हाँ. But हमने यहाँ पे जो मैंने 5,000 रुपए का profit earn किया था, उसको मैंने sacrifice कर दिया to earn more profit. अब इस strategy में मैं गलत हुआ तो मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा. That is what I'm trying, okay? But सही होने पे मेरे पास और reward है, right? So that is what I'm trying to do यहाँ पे. हमने debit spread इसलिए किया कि मुझे पता है जैसी बाजार मेरे favor में आ जाएगा तो मेरे को उसको शिफ्ट कर देना है बस. और क्योंकि मेरा लॉस फिर मिनिमम, मेरा बुल कॉल स्प्रेड जीरो लाइन के ऊपर आ चुका है, तो अब इसके ऊपर मुझे नुकसान नहीं होगा. कैसा भी होगा तो एनी हाउ आई एम गोइंग टू ट्राई इट ओके. एंड सेकंड चीज, और इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि हम इसमें ना क्रेडिट स्प्रेड की भी कर सकते हैं. उसका भी मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, बट अब इसमें पहले मैं इसको फिनिश कर देता हूँ. जब भी रोहित, इसमें एक चीज होती है, अब क्वेश्चन लोगों का ये होना चाहिए था इसके ऊपर कि सर ये तो जब फेवर में आया तब, राइट, ओके, व्हाट इफ गोज रॉन्ग, राइट? अगर हम गलत ही हो जाते शुरू में, मैंने ट्रेड बनाया वहीं से बाजार गिरना शुरू हो गया, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन, राइट, ओके. सो उस इवेंट के लिए भी हमको रेडी रहना है. अब गलती की सजा यू नो फांसी तो नहीं हो सकती है ना, कि गलत हो गए तो सारा ही बर्बाद कर देना है, वैसा नहीं होगा. हम क्या करेंगे इसमें, जो हमने 22,500 का कॉल खरीदा था, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो उसमें आप हमेशा एक ही लेग में स्टक होते हो, यस, राइट, हमेशा. चाहे आप स्ट्रैडल बना लो, तो स्ट्रैडल अगर आप एक जगह बाजार डायरेक्शन में जाते हैं तो आप कॉल में फंस गए, पुट में नहीं फंसे, राइट, यस. बुल कॉल स्प्रेड भी बनाए तो बाजार अगर नीचे गिर गया तो लॉन्ग कॉल में फंसा हूं, शॉर्ट कॉल में नहीं फंसा हूं, उसमें पैसा ही आ रहा होगा, ओके, एग्जैक्टली. तो हर स्ट्रैटेजी में मोस्टली यही होता है, तो हमको वही एडजस्टमेंट करने होते हैं जहां पे हम इस चीज को इम्प्रोवाइज कर सके. तो मैं इसमें क्या करूंगा, पहले वीक में अगर मान लीजिए मैंने अभी फर्स्ट वीक है, आज ही मैंने स्ट्रैटेजी क्रिएट किया और मैं गलत हो गया, तो मैं क्या करता, ये जो 23,200 का ऑप्शन है ना, इसको मैं 200 पॉइंट नीचे लाके, मतलब इसका प्रॉफिट बुक कर लेता और 23,000 का ऑप्शन बेच देता फिर मैं. और अगर गलत तो मैं इसको स्ट्रेच करना है मुझे आखिरी तक, ओके. सो पहले वीक में मैं 200 पॉइंट नीचे अपना स्ट्राइक शिफ्ट कर देता. एक वीक और हो गया, मान लीजिए सेकंड वीक में चला गया, तो 200 पॉइंट और नीचे कर देता उसका प्रॉफिट बुक करके. स्लोली एंड ग्रेजुअली जो मैं प्रॉफिट ले रहा हूं उसको मैं शिफ्ट करता रहूंगा नीचे की तरफ. लास्ट वीक में जब मैं आ गया, मान लीजिए मैंने 22,700 लास्ट बेचा हुआ है और लास्ट वीक में खड़ा हूं, तो मैं उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दूंगा. व्हाट आई विल डू इज आई विल डू अ रेशियो स्प्रेड इन दिस, मैं उसका क्वांटिटी डबल कर दूंगा. तो ये जो 297 मेरी जेब से जा रहा होगा, मैक्सिमम प्रीमियम जो 297 का जा रहा है, उसमें से मैंने एक बार 40 रुपए बुक किया, एक बार मैंने 30 रुपए बुक किया, एक बार मैंने शायद यू नो थर्ड वीक में लेट से मैंने 30 रुपए बुक किया, तो इसका कुछ 50% मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया वहां पे, या नहीं तो 40%. और आखिरी वीक में जाकर मैं जब डबल शेयर करूंगा तो इसका हो सकता है मैं 60-70% भी कवर कर पाऊं. तो मेरा एजेंडा सिर्फ ये है कि जब मैं जा रहा हूं गलत हो रहा हूं तो मैं मैक्सिमम चीज जो लॉस है वो उसको मिनिमाइज कर सकूं. मैक्सिमम लॉस मेरा 12-15,000 रुपए का था, 12-15,000 का लॉस अगर मैंने 6,000 रुपए भी लाके रोक दिया, मेरी आधी यू नो जो लड़ाई है वो तो वैसे ही खत्म हो चुकी है. क्योंकि जब भी मैं सही हो रहा हूं मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, गलत हो रहा हूं तो मैं को पता है कि मुझे लॉस कैसे कम करना है. सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. तो इसको हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं और इसी के हिसाब से हम यू नो प्रोसीड करेंगे इसमें हमेशा, राइट? तो ये है हमारा बुल कॉल स्प्रेड का एडजस्टमेंट, ओके, कि हम इसमें हम क्या चीज, जब भी हम सही हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं और गलत हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दैट इज टू थिंग, ओके. अब जैसे रोहित आपने क्रेडिट स्प्रेड के बारे में बात किया था कि क्रेडिट स्प्रेड बना सकते थे क्या, तो मेरे पास इसमें बहुत स्पेसिफिक क्रेडिट स्प्रेड है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ओके. मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका है वो. सो व्हाट आई विल डू इज अगेन आई विल गो टू द आर्किटेक्ट, बिकॉज दिस इज अ प्योर डायरेक्शनल ट्रेड, तो हम इसमें थीटा को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे. विल गो विद बुल पुट स्प्रेड, जब हम बाजार बुलिश है और हम इसको वीकली एक्सपायरी में ही बनाएंगे, ओके, क्योंकि ये लॉटरी टिकट है, चला तो चल गया, बहुत पैसा आएगा नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ओके. सो ऐसा वाला है, बट विल डू अ इन द मनी क्रेडिट स्प्रेड इसमें, ओके. इन द मनी क्रेडिट स्प्रेड का फायदा ये होता है कि इट बिकम वेरी डायरेक्शनल, ओके. अब डायरेक्शनल के लिए स्पेसिफिक दो नंबर है, हम इसमें 90 डेल्टा को सेल करेंगे, ओके, और 70 डेल्टा बाय करेंगे. ये चीज हम सिर्फ इंडेक्स में कर सकते हैं बिकॉज इंडेक्स के अंदर लिक्विडिटी होता है, ओके. कैसे करेंगे वो देख लीजिए, आपको यहां पे आना है और यहां पे आपको ये चेक करते रहना है कि आपके बेचे हुए स्ट्राइक का डेल्टा कितना है. तो इसको हमें इन द मनी जाना है तो हमें और ऊपर जाना पड़ेगा, ओके. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 22,800 में पहले सेल करने का कोशिश करता हूं, तो उसका डेल्टा देख लेते, ऑलमोस्ट 90 है, राइट, और 70 डेल्टा मुझे खरीदना है, ओके. तो ये वाला ऑप्शन, तो 22,600 में ट्राई करके देखता हूँ, इफ दिस इज द डेल्टा ऑफ 70,
ओके थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, आई थिंक 500 पे होगा अप्रोक्सीमेटली, वी हैव वी आर मैचिंग इट. ओके नाउ अब इसका मैजिक देखिए. ओके नाउ इफ दिस ट्रेड गोज रॉन्ग हाउ मच आई एम लूजिंग 3000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, दैट इज द मैक्सिमम लॉस आई हैव. बट इफ द स्ट्रेटजी गोज इन माई फेवर आई विल बी अर्निंग 12000 रुपीज विच इज अप्रोक्सीमेटली 3:1, और वो भी वीकली एक्सपायरी में. तो अगर बाजार 3-4 दिन में अगले में चल गया, बाजार यहां से मूव कर गया, तो यू विल मेक वेरी गुड मनी. और कितना ही 300-400 पॉइंट बाजार को और मूव करना है मेरे फेवर में. मार्केट राइट नाउ 22,300. ओके अगर ये बाजार 300 पॉइंट और चल जाता है, जो करंट सिचुएशन देख के लग रहा है, तो यू कैन सी दैट यू नो ये इजिली अचीवेबल है, राइट? और गलत होगा तो मेरी जैसे कुछ जा नहीं रहा, तो आई एम रेडी टू लूज इट. ये तभी करना जब आप बहुत ही ज्यादा श्योर हो, and without giving any cost, without giving any stop loss, you have reduced your max loss also. Exactly. तो हमने इसीलिए हम लोग वो चीज नहीं कर रहे, because हमें पता है हमारी trading setup में stop loss थोड़ा बड़ा है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, we मतलब generally क्या होता है, देखिए मैं ऐसा देखता हूँ कि हम मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है, people do it कि आग लगने के बाद उसको बुझाने का कोई मतलब नहीं होता, है ना? As a derivative trader हमको आग लगनी नहीं देनी चाहिए, है ना? हम उस चीज को पहले अज्यूम करके चलते हैं कि अगर गलत होऊंगा तो इतना जाएगा, आई एम रेडी टू टेक. अगर इतना लॉस नहीं ले सकते तो मतलब, क्योंकि हम जीरो लॉस तो कभी कर ही नहीं सकते. ऑप्शन इक्वेशन हमको अलाउ ही नहीं करता कि जीरो लॉस वाला सिचुएशन आए. बट लुकिंग एट द डेटा सेट, जो हमने डेटा देखा उसके हिसाब से हमको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा आ रहा है कि हमारा स्ट्राइक रेट 65-70% का बनता है. डेटा को देख करके, पीसीआर को देख करके, बेसिस को देख करके और ऑप्शन चेन को देख करके, बहुत सिंपलेस्ट डेटा, हर कोई इसी को चेक करता है. उसके ऊपर हमारा स्ट्रेटेजी कितना अच्छा है ये इंपॉर्टेंट है. तो अगर हमने बुल कॉल स्प्रेड बनाया तो उसका एडजस्टमेंट हमारे पास है, और अगर हमारा बुल पुट स्प्रेड भी, जो हम ये क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हैं, उस पे क्लियर ट्रेड है कि 6 दिन में अगर बाजार चलेगा तो पैसा आएगा, नहीं चला तो 3000 का नुकसान लेकर के घर जाना है जाना है, दैट इज क्लियर कट. तो जब भी आप सही होगे आप 12000 रुपए कमाओगे, गलत होगे 3000 रुपए कमाओगे, विच इज आई थिंक विच इज फाइन. अगर आपका स्ट्राइक रेट 50% भी होगा उसके अंदर, तो आप पैसा बना लोगे, राइट? व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज थोड़ी सी और क्लियर करता हूँ इस चीज के ऊपर. बिकॉज़ राहुल आपने शायद जहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड किया है, ठीक है, यू हैव डेलिबरेटली टेकन द वीकली एक्सपायरी, और जहाँ पे यू आर डूइंग द बुल कॉल स्प्रेड वहां पे डेलिबरेटली यू हैव टेकन मंथली एक्सपायरी. ये चीज याद रखना. जहां पे राहुल ने डेबिट स्प्रेड क्रिएट किया है, बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है, वहां पे ही हैज टेकन मंथली एक्सपायरी. जहां पे ही इज डूइंग क्रेडिट स्प्रेड, दैट इज जहां पे ऑप्शंस बेच रहे हैं, बेचने का प्रीमियम लग रहा है, ही इज रिसीविंग प्रीमियम, वहां पे ही इज डूइंग इट इनटू द मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी. यस, दिस इज डेलिबरेटली डन. हम इसको हर हफ्ते भी ट्राई कर सकते हैं. अगर ये इस वीक प्रॉफिट दे गया और अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव है, तो व्हाट आई विल डू इज अगले हफ्ते में बना लूंगा, क्या तकलीफ है, फिर से बना लूंगा. बट ये ऑप्शन ये स्टॉक्स के अंदर नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये चीज हम सिर्फ इंडाइसिस में ट्राई कर सकते हैं. क्योंकि स्टॉक्स के अंदर जैसे आप इन द मनी पुट में जाते हो, तो व्हाट प्रॉब्लम कम्स इज दैट यू डोंट हैव अ दिस थिंग, कि आपके पास लिक्विडिटी नहीं होता है. ओके, या सो दैट इज द सेटअप. ओके, तो ये चीज है, ये चीज करनी है अपने को. तो सिंपल सा लॉजिक है, जब एक बार मैं बस रिविजन कर देता हूँ, कि बेसिक्स से हमको ये पता चलता है कि कोई स्टॉक बॉटम क्रिएट कर रहा है, तो जो बेयर मार्केट होता है दैट इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड. तो अगर वो शॉर्ट लिव्ड है, तो सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ये है कि कहीं ना कहीं बाजार बॉटम क्रिएट करेगा या फिर स्टॉक बॉटम क्रिएट करेगा. अब सारे बॉटम्स को ट्रेड नहीं करना, बॉटम को हमें ये देखना है कि हाउ ऑप्शन ट्रेडर्स आर प्लेस्ड एट दैट बॉटम. तो दो चीजें हो सकती हैं, या फिर हम पुट कॉल रेशियो का डेटा देख सकते हैं. अगर पुट कॉल रेशियो उसके आसपास 0.6-0.8 के आसपास है, तो दैट अगेन इट गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट शायद बॉटम क्रिएट करेगा. दूसरी चीज, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन के थ्रू अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि हाउ ऑप्शन ट्रेडर्स आर प्लेस्ड, इफ दे आर शोइंग सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव सेंटिमेंट, कि जहां पे पुट में बहुत ज्यादा राइटिंग हो रहा है, कॉल में अनवाइंडिंग हो रहा है, उसके हिसाब से आप उस स्ट्रेटेजी में एंटर कर सकते हो. तो ये तीन डेटा सेट हमारा सेटअप क्रिएट कर देते हैं. और इसमें सिंपल चीज ये है कि ये डेटा हर जगह अवेलेबल है और इसको यूज नहीं कर रहा कोई, तो इसके हिसाब से आप यू नो अपना सेटअप क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग साइड में. दूसरा चीज है, इसके ऊपर स्ट्रेटेजी कौन सा क्रिएट करना है. तो मैंने आपको दो स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली डिस्कशन किया, कि जब हम स्टॉक्स के अंदर बना रहे हैं, तो आप बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो, जहां पे हम ओटीएम स्प्रेड ट्राई करेंगे हमेशा, ओटीएम डेबिट स्प्रेड. उससे ये फायदा होता है कि स्पेसिफिकली 3:1 या 2.5:1 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन करना है वहां पे. ओके, जब हम मंथली एक्सपायरी ट्राई कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप अगले हफ्ते ट्राई करो, अगले हफ्ते बनाओ कोई स्ट्रेटेजी. तो क्योंकि स्टार्टिंग में प्रीमियम ज्यादा होते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड उतना बेटर बैठता नहीं है. एज सून एज द डे पास, आपका स्ट्राइक रेट बेटर होने लगेगा.
सेकंड चीज, जब आप इंडाइसिस के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो यू स्पेसिफिकली गो एंड 90-70 क्रेडिट स्प्रेड, 90 का ऑप्शन बेचना है और 70 का खरीदना है, तो वो डेल्टा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. ओके, वी प्रोवाइड दिस डेटा ऑटोमेटिकली, लाइव में है तो आपको ये डेटा पता चलता रहेगा कि 90 और 70 क्या है आपका क्रेडिट स्प्रेड में. ओके फाइन. ओके, तो और आप इसमें स्ट्रैटेजी को सेव भी कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी यू कैन सेव, और उसके हिसाब से आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो बाद में, राइट. सो दिस इज द होल सेटअप. सो बेसिकली मैंने ये चीज दिखाया बिकॉज क्या होता है कि ज्यादा यू नो कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत नहीं सिचुएशन को, बिकॉज दिस इज द इजी सेटअप दैट एनी कैन अंडरस्टैंड. कोई जिसको शायद 2 महीना भी हुआ होता है ना ऑप्शन ट्रेड करते हुए, ऑप्शन चेन देखना जान जाता है, राइट. ओके, तो उसको बस एक थोड़ा सा डायरेक्शन देना होता है. और ये दो डेटा, फ्यूचर्स का डेटा और साथ में ऑप्शंस का डेटा देख करके अगर हम एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सेटअप टू वर्क अपॉन, राइट. व्हाट आई विल डू राहुल इज दैट आई विल पुट दिस होल मटेरियल आउट एंड आई विल टैग यू इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. सो if somebody has any queries regarding the setup, what they can do is they can message you and you can take it over the comment section. Okay, exactly, sure, we'll definitely do it. Yes. Okay, so thank you for having this seminar with us. It was really a very good setup. Okay, I was ignoring it, but now I'm going to use it myself. There are thoughts going on in my mind. Let me get back to you with feedback. Okay, sure. So thanks a lot.